नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला, आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। उपचुनाव के बाद शिवराज सरकार एक्शन में है, जनहित में एक के बाद एक नए ऐलान कर रही है। इस बीच शिवराज सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया है और वो फैसला है एक नई कैबिनेट गठन करने का। जी हाँ, प्रदेश में गौधन संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट के गठन का निर्णय लिया गया है। इस बात की जानकारी खुद शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर दी है। इसी के साथ मध्य प्रदेश देश की पहली गौ कैबिनेट गठन करने वाला राज्य भी बन जाएगा। यह कैबिनेट गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम करेगी। हम आपको बता दें कि इस कैबिनेट में पशुपालन, वन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग शामिल होंगे। इसके लिए पहली बैठक गौष्टमी के दिन 22 नवंबर को दोपहर 12 बजे रखी गई है। अब इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले प्रदेश में गौ मंत्रालय बनाने की घोषणा करने वाले शिवराज सिंह अब गौ कैबिनेट बनाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने अपनी चुनाव से पहले की घोषणा में गौ मंत्रालय बनाने के साथ साथ पूरे प्रदेश में गौ अभ्यारण और गौशालाएं बनाने की बात कही थी। सभी जानते हैं कि अपने पिछले 15 सालों और मौजूदा 8 महीने में शिवराज सरकार ने गौ माता के संरक्षण और संवर्धन के लिए कुछ भी नहीं किया है। उल्टा चारे की रकम में कांग्रेस सरकार ने जो 20 रुपए प्रति गाय का प्रावधान किया था उसे भी कम कर दिया है। कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हमारी सरकार आने पर हम 1000 गौशालाओं का निर्माण कराएंगे। आपको बता दें कि गोरक्षा के जरिए कांग्रेस सरकार सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा ले रही थी। कमलनाथ ने गोरक्षा करने वालों के लिए ऑनलाइन डोनेशन पोर्टल भी शुरू किया था, जिसमें दान देने वालों को आयकर में छूट देने की बात की गई थी। फिलहाल ये राजनीति है और नेता जनता को झांसे में लेने के लिए ऐसे वादे करते रहते हैं। अब हम आपको बता दें कि इस कैबिनेट गठन से फायदा क्या है। इससे गौ कसी पर पूरी तरह से रोक लगेगी, गौपालन को बढ़ावा मिलेगा, प्रदेश में रोड पर घूमने वाले जानवरों को गौशालाओं में रखकर उनकी सेवा की जाएगी, प्रदेश में अधिक संख्या में गौशाला खोलने की योजना भी है और इस योजना को इस कैबिनेट के जरिए पूरा किया जाएगा। साथ ही गौपालन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सहयोग राशि भी दी जाएगी। फिलहाल सरकार प्रदेश भर में गौशालाओं का निर्माण शुरू कराए और गौ माता को लेकर अपनी पहले की सारी घोषणाओं को पूरा करे, तभी सही मायनों में गौ माता का संरक्षण और संवर्धन हो सकेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे वीके न्यूज एमपी। खबर पसंद आए तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।